Hello dear students, welcome to all of you in my YouTube channel. Myself STLE and we are going to study about Halo Alkane and Halo Arene. ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर का. उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर यूट्यूब पर पढ़े सभी लेक्चर से डिफरेंट होगा. ठीक है, मैं इसकी चैप्टर के लिए विशेष करके कुछ नए कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ हूँ. तो उम्मीद है अब वीडियो देखने के बाद आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. तो बिना बात किए चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन. तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम से. आप थोड़ा चैप्टर के नेम पर फोकस करना जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ. यहाँ पर लिखा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. ठीक है, थोड़ा इसका वर्ड हम लोग थोड़ा अलग अलग करें. यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है हेलो, एक लिखा है एल्केन्स. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट दो वर्ड लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है हेलो और यहाँ पे लिखा है एरिन्स. हेलो प्लस एल्केन और हेलो प्लस एरिन्स. बात समझ आ रही है? हेलो क्या होता है, यह वर्ड लिया गया है स्टूडेंट्स हेलोजन से. यह वर्ड किससे लिया गया है? हेलोजन से. हेलोजन क्या होते हैं आप सभी को पता है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें बोलते हैं हेलोजन. यानी कि हेलोजन का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन. जनरली माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से. या तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई एक हो सकता है, इन्हें हम बोलते हैं हेलोजन. इन्हें क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं. ये जनरली आप जानते हो हेलोजन क्या होता है. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं. ये एल्केन क्या होता है? एल्केन जो है वह कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, थीके? जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है, हु कंटेन्स ओनली सिग्मा वन सिंगल बॉन्ड, सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, वहाँ पर हम बोलते हैं एल्केन. लेकिन यह जो होता है रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, यह सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर रिंग नहीं बने हुए होते हैं. जैसे मान लो मैं बाबू यहाँ पे मैं बना रहा कार्बन कार्बन कार्बन, ये मैंने एक छोटा सा कंपाउंड बनाया तीन कार्बन का और चारों तरफ क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया. दिख रहा है? तो यहाँ पर कार्बन के साथ अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं. ठीक है, और सभी जो बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन हो या फिर कार्बन और कार्बन के बिटवीन हो. ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं एल्केन. जैसे हमारे पास होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अंडेक, डोडेक, ट्राइडेक. ऐसे जनरली जो सामान्य फार्मूला पर रखकर हम लोग ड्राइव करते हैं. सामान्य फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2. जनरली देखो हमने क्या हाइड्रोजन कार्बन कितने लिए? तीन. तो n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन से डिनोट करेंगे. कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तीन है, तो n इक्वल रख दो तीन, इस फार्मूले में रख दो. ये n इक्वल हो गया 3H, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? तीन. कितना ऐड करना है? दो. ये हो जाएगा C3H3 2 6+2, यानी क्या आएगा? C3 और 6 2 8, C3H8. थोड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 100% इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है. इसका मतलब हमने समझ लिया, हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन्स. और एल्केन का मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है? एल्केन है. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हु कंटेन ओनली अ सिंगल बॉन्ड. कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो और वह क्लोज स्ट्रक्चर या फिर साइक्लो स्ट्रक्चर ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एल्केन. ठीक है, अब होगा क्या, यह जो हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन दिख रहा, यह हेलोजन अगर इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाके जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सपोज करो यहाँ पे कोई आके हेलोजन जुड़ गया, तो अब ये जो कंपाउंड ये पूरा बना हमारे पास, यही कहलाएगा हेलो एल्केन. बस हमने क्या क्या बनने बताया? मैंने बताया कि हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप से है, एल्केन का मतलब एल्केन से है. ठीक है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से है. तो जब हेलोजन के एटम्स, हेलोजन के एलिमेंट्स जा करके कंबाइन होंगे एल्केन के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? हेलो
एल्केन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। अब जनरली मैं इसका कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल जनरली लिखता हूँ हेलो एल्केन का। जैसे आप मेथेन जानते हो, मेथेन फार्मूला CH4, मेथेन आप जानते हो, मेथेन फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, यानी कि ये रहा कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंपल फार्मूला लिख रहा हूँ इसका स्ट्रक्चरल, ये रहा एक कार्बन रहा और इस कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन चारों तरफ ऐड है। तो मैंने क्या कहा कि जो हैलोजन है इनमें से किसी भी कार्बन के पास जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दे, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, क्या होते हैं सर, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होते हैं। तो कोई अगर आके मान लो सपोज करो यहाँ से कोई हैलोजन यानी एक्स वाला कोई भी एलिमेंट आके इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, और यहाँ पर आकर के वो खुद जुड़ जाता है, तो यह जो हमारे पास कंपाउंड बना इसे क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है, बात समझ आई हेलो एल्केन क्या होता है। ऐसे ही हमारे पास आता है हेलो एरिन, क्या आता है, हेलो एरिन। अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसको देख लेते हैं, हेलो एरिन, यहाँ पे लिखा हेलो, तो अभी भी हमने देखा ना हेलो किसको बोलेंगे, हेलो हम बोलेंगे हेलोजन ग्रुप के, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन के। इसे जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अब यहाँ पे क्या है, एरिन्स, ये वर्ड थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्या बोला, एरिन्स बोला। अब एरिन क्या होते हैं, एक छोटा सा वर्ड बोल रहा हूँ सुनना, कोई भी कंपाउंड हो अगर उसका यूनिट में, अगर उसके यूनिट में बेंजीन रिंग हो तो वह कहलाता है एरिन्स। इफ वी हैव एनी कंपाउंड कंटेनिंग अ यूनिट एज बेंजीन देन द कंपाउंड इज नोन एज एरिन। मतलब कोई भी कंपाउंड है, सिंपल समझो, कोई भी कंपाउंड है अगर उसके यूनिट में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके कंपाउंड के अंदर बेंजीन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे एरिन। क्या बोलेंगे, एरिन। यानी कि किससे है ये, यह बेंजीन से है। बेंजीन सर कैसे लिखते हैं, तो जनरल बेंजीन का ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वह अल्टरनेट करके होते हैं, डबल बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड को अल्टरनेट न कराया जाए, ये यहाँ पे जंप करता है, यहाँ पे जंप करता है, यहाँ पे जंप करता है, अगर जंप न कराएं तो सामान्य रूप से इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन से जब जाके हैलोजन अटैच हो जाए, यानी कि आपको पता है बेंजीन रिंग हो और उससे जाके कौन अटैच हो जाए, हैलोजन, चाहे डायरेक्ट अटैच हो जाए, चाहे यह बेंजीन किसी कार्बन से अटैच हो और यह उस कार्बन से जाके अटैच हो जाए, ठीक है, तब भी वो एरिन कहलाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है ये डियर स्टूडेंट, ये रहा बेंजीन, मान लो बेंजीन से आके यहां पे हैलोजन ग्रुप ऐड हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, एरिन ही कहलाएगा, यानी हेलो एरिन ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा कि सपोज कर लो यहां पे मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से आकर के हैलोजन जुड़ता है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, तब भी ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या इतना समझा, हेलो एल्केन क्या होगा और हेलो एरिन क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बस ये दो वर्ड हेलो एल्केन और हेलो एरिन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो हेलो एल्केन क्या होगा, हेलो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन एटम्स को हेलोजन बोलते हैं, ग्रुप 17 होता है इनका। जब हेलोजन एल्केन में किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन, उसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ यानी एरिन के साथ जब हेलोजन ग्रुप जाके अटैच होता है, जुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी आपने बता दिया कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरिन क्या है और हमने समझ भी लिया, तो सर आप ये बताओ इन्हें पढ़ना जरूरी क्यों है, Why we study हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हम इसे क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है। देखो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और मुख्य रूप से हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स ही होते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड का मैं नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ और उनका यूज कहाँ पर करते हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी बेस चलेंगे हम लोग, टोटल एनसीईआरटी बेस चलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जनरल अपने समझने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, मैं हट जा रहा, ठीक,
ले लिया। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली मैं बात कर रहा था कुछ कंपाउंड की जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे एक कंपाउंड है, काफ़ी यूज होता है इसका, है क्लोरैम्फेनिकॉल। सर ये क्लोरैम्फेनिकॉल क्या है? ये बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसका यूज हम लोग करते हैं टाइफाइड फीवर को दूर करने में, ठीक करने में या फिर उसको मतलब उसका इलाज करने के लिए बोल सकते हो, ट्रीटमेंट करने के लिए टाइफाइड फीवर के लिए क्लोरैम्फेनिकॉल। ऐसे क्लोरोक्विन। अब ये क्लोरोक्विन क्या होता है सर? ये भी एक दवाई है इसी स्टडी का, हैलो एल्केन और हैलो एरिन का ही। इसका हम लोग यूज करते हैं मलेरिया में, यानी मलेरिया को ठीक करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एक और है थायरॉक्सिन। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है सर? तो थायरॉक्सिन, ये आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड से ही थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है अच्छी खासी, और हमारे इसको थायराइड ग्लैंड को बढ़ने से रोकता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स की तरह प्रोड्यूस होता है, जो हमें ग्वाइटर, जिसे सामान्य रूप से घेघा रोग बोला जाता है, उस रोग को दूर करता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। एक बताया ना, GOITER, ग्वाइटर, जिसे सामान्य तौर पर घेघा बोला जाता है, तो इसके लिए ये काम करता है। एक और मैं लिख रहा हूँ हेलोथेन। अब ये हेलोथेन क्या चीज़ है सर? तो ये भी एक इसी श्रेणी का कंपाउंड है, इसी सीरीज का कंपाउंड है। इसका यूज करते हैं निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में। तो अभी जनरल मैंने जितने कंपाउंड लिखे, ठीक है, ये एनसीईआरटी के हैं और इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे, क्योंकि हो सकता है ये ऑप्शनल में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो पहला है क्लोरैम्फेनिकॉल, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये टाइफाइड फीवर के लिए ठीक है, मतलब टाइफाइड फीवर को ठीक करता है। दूसरा है क्लोरोक्विन, यह मलेरिया को ठीक करता है। थायरॉक्सिन ग्वाइटर रोग को ठीक करता है, यानी ग्वाइटर होने से बचाता है थायरॉक्सिन। हेलोथेन जो है ये एनेस्थेटिक होता है, निश्चेतक के रूप में, यानी कि किसी का सर्जरी करना हो तो उसे हम एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे बॉडी के पार्ट्स सुन्न हो जाते हैं, यानी कि बॉडी के पार्ट से हमारे ब्रेन का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और ऑपरेशन करते समय किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है, तो वहाँ पर हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं। तो देखो जनरली इन्हीं चीज़ों के लिए, इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए और ऐसे नए और कंपाउंड्स बनाए जा सकें, इसीलिए हम सभी हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स पर स्टडी करते हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? ठीक है, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स पे। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशंस की। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक, अब देखो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। अब यहाँ से हमारा स्टडी जो है वो स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन। अब सर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का? तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पे टू टाइप्स के करने वाले, जनरली मैं टू टाइप्स का कर रहा हूँ। पहला जो है वो हमारे पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, पहला हम इसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। सेकेंड है इसे बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब जो यहाँ पे जो कार्बन है, एंड हैलोजन बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका तीन टाइप्स का होगा, मतलब जो सेकंड वाला है वो तीन टाइप्स का होगा। पहला, ये इसमें हम कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेंगे और यहाँ पे हैलोजन जोड़ेंगे। दूसरा हम लेंगे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन जोड़ेंगे। तीसरा हम लेंगे कार्बन का
एसपी हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन जोड़ेंगे, ठीक है। ये जनरली आप माइंड में रखो और यही हम लोग को पढ़ना भी है। क्लासिफिकेशन मैंने जनरली कर दिया है, ठीक है, किताबों में तो कई रूप में इसको बांटा होगा लेकिन जनरली कर दिया है, आपके लिए आसान कर दिया है। दो बेसिस पे कैसे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। दूसरा हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इसके हिसाब से कितने टाइप्स के, तीन टाइप्स के, कौन कौन, sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन बॉन्ड ऐड हो, ठीक है, sp कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन बॉन्ड ऐड हो, ठीक है। तो ये हम लोग इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें से पहला वाला उठाता हूँ और इसको हम लोग स्टडी करते हैं, पहला वाला। तो इसको मैं इरेज करूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, मैं इसीलिए थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ ताकि आप इसको ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टिट्रा, पॉली। जैसे आप पढ़ते हो ना कि अगर कार्बन कोई एटम अगर सिंगल होता है तो मोनो बोलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना CO, तो कार्बन एक है तभी तो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऐसे ही हो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक था सिंगल था ना तो मोनो यूज किया, यहाँ पे दो है तो डाई कार्बन, ये दो क्या है, डाई ऑक्साइड हो जाएगा, ऐसे यूज करते हैं ना, तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली। तो हैलोजन के हिसाब से ये कई टाइप्स के हो सकता है, या तो मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, या फिर पॉली हो सकता है। तो जनरल हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोनो, डाई और ट्राई के हिसाब से, ठीक है। देखो क्या होता है ऑन द बेसिस, मतलब पहला हम लोग बात कर लेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन हो CH2 और इसको कर देता हूँ मैं CH3 और X, ऐसे रहेगा, इसे बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन। हैलोजन कितना है, मोनो, मोनो मतलब एक है, ऐसे ही हमारे पास और एक और होगा डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। जैसे कि जनरली मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये रहा, इसे बोलेंगे डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। देखो यहाँ पे मोनो हैलो एल्केन, ये रहा क्या, डाई हैलो एल्केन, ठीक है, नंबर ऑफ टू, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा हम देख लेते हैं ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है, ये रहा CH2, ये हो जाएगा CH2X, इसे बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। बात समझ में आई, कितने मोनो, डाई, ट्राई, जनरली हम लोग यही देखने वाले हैं। मोनो का मतलब एक हैलोजन एटम ऐड हो, ठीक है, डाई का मतलब दो हैलोजन एटम ऐड हो, ट्राई का मतलब तीन हैलोजन एटम हमारे पास ऐड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हैलो एरिन्स भी होते हैं, जैसे मान लो कि ये रहा मेरे पास एरिन, ठीक है, इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे हैलोजन ऐड कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हैलो एरिन, मोनो हैलो एरिन। ऐसे ही सपोज कर लो हमारे पास एक और बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने दो हैलोजन एटम ऐड कर दिया तो हो जाएगा डाई हैलो एरिन्स, डाई हैलो एरिन्स, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा ताकि दिखे आपको डाई हैलो एरिन्स। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ट्राई हैलो एरिन्स, ऐसे ही क्या होगा, ट्राई होगा एक्स, एक्स मान लो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, इसका नाम क्या होगा, ट्राई हैलो एरिन्स, ट्राई हैलो एरिन्स। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं जोड़ सकता हूँ, टेट्रा हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ हैलोजन एटम हो उस हिसाब से हम लोग इसको जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ पे कितने टाइप से क्लासिफाई किया, तीन टाइप्स के, मोनो, डाई, ट्राई। ये हमारे पास है मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन। ये क्या है, मोनो हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन और ट्राई हैलो एरिन। इतनी बात क्या आपको समझ में आई,
इतनी बात समझ में आई कि क्या करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अगर हो तो तीन टाइप्स के जनरली, मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन और ट्राई हैलोएल्केन, मोनो हैलोएरिन, डाई हैलोएरिन और ट्राई हैलोएरिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसमें से एक एक को हम स्टडी करते हैं, यानी कि इसके देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप्स के करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से जनरल इसके क्लासिफिकेशन है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस यही होता है, ठीक है। अब मैं इरेज करता हूँ, एक काम करते हैं छोटा छोटा इन सब का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्ट इनके अंदर कैसे हम पहचानेंगे कौन मोनो है, कौन डाई है और कौन मेरे पास ट्राई है, ठीक है। देखो जैसे मान लो आप सभी, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमेथेन, ये हो जाएगा मोनो हैलोएल्केन बोल रहे थे ना, ऐसे इसका नाम मोनो है तो क्लोरो, क्लोरो मतलब सिंगल है, ये क्या है हैलोजन है तो क्लोरो, ये क्या है मेथेन है, ये क्या हो गया क्लोरो मेथेन, ये कौन सा है मोनो हैलो एल्केन है। ऐसे सपोज करो कि हमारे पास अगर हो CH2Cl और ये मेरे पास क्या हो CH2Cl, तो दो है तो हो जाएगा डाई, दो क्लोरो है डाई क्लोरो मेथ एथ एथेन, डाई क्लोरो एथेन, डाइक्लोरो एथेन। बात समझ मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो दो हमारे पास हैलोजन तो मोनो डाई, तो डाई हो गया, क्लोरीन दो है तो क्लोरो लगा दो, मेथ एथ तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ते हैं तो डाइक्लोरो एथेन। अभी इसका मैं IUPAC भी पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है। इतना तो जनरल आप जानते हो कि क्लास 11 से आप आए हो 12th में, तो इतना आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो IUPAC अभी मैं इस क्लासिफिकेशन को खत्म करने के बाद जस्ट उसका एक लेक्चर अपलोड करूंगा। तीसरा देखो, ऐसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे CH3Cl हो, CHCl हो, CH3 नहीं इसको CH2 करेंगे तब बैलेंस होगा, CH2Cl हो, मोनो डाई ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन नहीं करें ट्राई क्लोरो करते रहें, हैलो का मतलब तो यहाँ पे कोई हो सकता है, तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो, क्लोरो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन, ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया ट्राई क्लोरो प्रोपेन। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप्स के, कॉमन सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, कॉमन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे लिख दे रहा कॉमन, कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम के हिसाब से एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल, जेमिनल, जेमिनल हैलाइड और एक होता है विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड, ठीक है। ये दो टाइप्स के कौन कौन है, जेमिनल और विसिनल हैलाइड, जेमिनल और विसिनल हैलाइड, ठीक ठीक है, जेमिनल और विसिनल हैलाइड। जेमिनल क्या है और विसिनल क्या है, अच्छा एक ट्रिक बोल रहा हूँ माइंड में याद रखो, जेम मतलब सेम, जेम मतलब सेम, क्या बोल रहा हूँ थोड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेम मतलब सेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, जेम मतलब सेम, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ याद करो, जेम मतलब सेम, जेम मतलब सेम, क्यों बोल रहा हूँ ये जेम मतलब सेम, अभी अभी बता रहा जस्ट क्यों बोल रहा मैं, जैसे यहाँ पे दो आपके पास कार्बन है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CH2CH, मैं ऐसे लिख दे रहा, ठीक है, ये रहा और मेरे पास ये रहा, ठीक है, इनके बीच में क्या है दो, ठीक है, दो दो चार, ठीक है, बैलेंस है, ये क्लोरीन से जुड़ा है, ये भी क्लोरीन से जुड़ा है, मतलब ये बाबू इधर से क्लोरीन से जुड़ा है, ठीक है, और ये इधर से क्लोरीन से जुड़ा है, तो मैं जेमिनल का मतलब बता रहा आपको, जेम का मतलब सेम, यानी कि ये जो हैलोजन है यह अलग अलग कार्बन से न जुड़ करके एक ही कार्बन से जुड़ा हो, इसीलिए बोल रहा हूँ जेम मतलब सेम, सेम कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर क्लोरीन नहीं जुड़ा होगा, क्लोरीन जो है वो अब यहाँ पे जुड़ा होगा, तो देखो एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन ग्रुप ऐड है, तो इसे ही हम बोलेंगे जेमिनल, और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो जेमिनल हैलाइड लिखते हैं, जेम हैलाइड, सडनली जेम लिख देते हैं, GEM ऐसे यूज करते हैं, तो इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैसे क्या होगा जेमिनल में, जेमिनल का मतलब जेम मतलब सेम, जैसे कि यहाँ पे देख लो CH3, अब यहाँ पे हो गया CH, यहाँ हो जाएगा CL, यहाँ हो गया CL, बात समझ में आई, सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ जेम मतलब सेम, तो ये हो जाएगा जेमिनल हैलाइड, इसे बोलेंगे जेमिनल हैलाइड। ऐसा अगर कभी देखो तो अगर लिखा है जेम
तो समझ जाना कि सेम कार्बन से वो हाइलोजन अटैच है। अब यहाँ पर विनाइली विसिनल क्या होता है, तो विसिनल मतलब अलग अलग से जुड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो यह जो है यह विसिमल है, ये हमारे पास विसिमल है, ठीक है, ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये विसिमल हैलाइड है और ये क्या है, जेमिनल हैलाइड है। तो आपको समझ में आएगा विसिमल क्या होता है और जेमिनल क्या होता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हेलोइरियंस का, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, इरेज करता हूँ। कुछ एग्जांपल फिर से मैं हेलो एरियंस के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, उसका दो तीन नेम देख लेते हैं एग्जांपल्स में। ये इसका एग्जांपल था हेलो एल्केन का, नेक्स्ट देख लो। मान लो ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन पे यहाँ पे क्लोरीन ऐड है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, सिंपल क्लोरो है, मोनो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल है तो सिंगल कर दो, क्लोरो बेंजीन। ऐसे सपोज करो कि मेरे पास अगर ये बेंजीन हो और इसके साथ दो क्लोरीन ऐड हो, मान लो एक यहाँ पे ऐड हो और एक यहाँ पे ऐड हो, तो नंबरिंग भी अगर करना चाहते हो तो 1, 2, 3 नंबरिंग कर सकते हो। तो इधर से करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पे जाएगा, तो सही नहीं है, छोटा नंबर ही देते हैं। ये हो जाएगा 1, 3, ये हो जाएगा डाई क्लोरो, ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन। तो समझ में आया, यहाँ पे मैंने डाई यूज किया, मैंने कहा ना मोनोडाई ट्राई होगा, तो वही है, ऐसे ही क्लोरोबेंजीन 1, 3 ड्राई क्लोरोबेंजीन, ऐसे ही मान लो ट्राई बनाना है तो क्या करते हैं, ये मेरे पास बेंजीन रहा, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, लो यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐड कर दिया, नाम दे देते हैं 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 1, 2, 3 3 है तो क्या यूज करेंगे, ट्राई, तो हो जाएगा ट्राई, ये है क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ये पूरा है बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट, क्या आपको यह समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के हिसाब से हम हेलो एल्केन और हेलो एरियंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जनरली मैंने कहा तो वो तीन टाइप्स के रखेंगे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरिन, ड्राई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन, ठीक, इतना डन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमने समझ लिया, ठीक, बिल्कुल हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो सेकेंड मैंने क्लासिफिकेशन लिखा था, सेकेंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। ये तीन टाइप्स के होंगे, पहला कंपाउंड कंटेनिंग, बोल सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैलोजन बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 एंड हैलोजन बॉन्ड। जो सेकेंड हमारे पास हो सकता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2, मतलब जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 एंड हैलोजन बॉन्ड। जो थर्ड होगा हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp, मतलब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp एंड हैलोजन बॉन्ड। ये तीन टाइप्स के हम लोग देखने वाले हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। कौन कौन से, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 एंड हैलोजन बॉन्ड, मतलब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 हो जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, जिससे हैलोजन जुड़ा हो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, सेकंड वाले में sp2 होना चाहिए, थर्ड वाले में sp होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब इसके बेसिस पर भी ये कई टाइप्स के होते हैं, देखो इसके बेसिस पर तीन टाइप्स के थे, ऐसे ही इसके बेसिस पर भी कुछ टाइप्स के होंगे और जनरली तीन टाइप्स के होंगे। कौन कौन से देख लो, यहाँ पे ए से किया, एक काम करते हैं इसे ये वाला नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, इसे रोमन दिया 1, 2, 3 दे देते हैं 1 नंबर, ये होगा एल्किल हैलाइड, या फिर एल्किल हैलाइड ही बोलें या फिर हैलो एल्किन बोलें, एल्किल हैलाइड, ठीक है, पहला है एल्किल हैलाइड,
दूसरा है बोलेंगे एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। तीन टाइप्स के, कितने? तीन टाइप्स के। sp3 कार्बन और हैलोजन के हिसाब से क्लासिफाई करें तो तीन टाइप्स के, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जैसे कि कोई भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि CH3, CH2 और यहाँ पे मैंने हैलोजन ऐड कर दिया। पहले का मैं सिंपल लिख रहा हूँ, अभी मैं एक एक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन भी करूँगा फुल। तो ऐसे मान लो यहाँ से जो ये हैलोजन अटैच है वो इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह है sp3। तो सर कैसे पता करेंगे कि इस वाले कार्बन का sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है? थोड़ा देख लो, ये है CH3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ आप पहचानना जो मैं अभी लिख रहा हूँ, अगर कहीं पर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर कार्बन, फॉर कार्बन। ये आप माइंड में हमेशा रखोगे जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी सारे बॉन्ड होने चाहिए सिंगल। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई एक सिंगल हो बाकी सब डबल ट्रिपल हो, उसमें सारे क्या होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तो sp3। और उसमें से कोई एक बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, कोई एक बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। यहाँ पे देखो सभी जो बॉन्ड है इस वाले कार्बन ने जो बनाए हैं वो सब के सब सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो यानी ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, ठीक है, कहलाएगा एल्किल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया एल्किल हैलाइड क्या है, ठीक। अब एक काम करते हैं, एलिलिक हैलाइड क्या होता है? अब देखो, अब वो एलिलिक हैलाइड में हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में जो कार्बन है इससे हमारा हैलोजन अटैच होगा, तो इसे बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। अभी कंप्लीट बता रहा हूं क्या है, बस जनरल अभी याद रखो। इसमें उससे जुड़ेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसमें भी उससे जुड़ेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आएगा। डबल बॉन्ड वाले के बगल में जो कार्बन है उससे हैलोजन अटैच होगा, ना कि डायरेक्ट अटैच होगा, ठीक है। ये साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पर ऐसे लिखा, ये डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पे ये हो गया डबल बॉन्ड, और एक काम करते हैं CH2 और यहाँ पे X ऐड कर देता, ठीक है, ये साइक्लो कंपाउंड ही है। तो ये भी जो होगा ये भी एलिलिक हैलाइड ही होगा। ऐसे ही बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में बाबू हम लेंगे बेंजीन, हम लेंगे बेंजीन, और बेंजीन से जो कार्बन अटैच होगा इससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ होगा। तो तीनों टाइप्स पहले देख लो, फिर हम एक एक के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। पहला यहाँ पे शुरू करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तीन टाइप्स के थे, sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड और sp कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इससे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, और इसमें से मैंने एक उठाया कंपाउंड कंटेनिंग sp3 और हैलोजन बॉन्ड। कितने टाइप्स के? तीन टाइप्स के। एल्किल हैलाइड क्या है कि किसी भी कार्बन का जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उससे अगर हैलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एलिलिक क्या होगा सर? तो अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले के बगल वाला जो कार्बन है इससे हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले के बगल के कार्बन से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। ऐसे बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन होना चाहिए सर, बेंजीन के बगल में कार्बन होना चाहिए और इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, तो उसके क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। तो चलिए एक एक के ऊपर अब कंप्लीट स्टडी करते हैं कौन क्या क्या कैसे है। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका बैक करके आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको इरेज कर दें, हम इसको इरेज कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या था हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा था? पहला मैंने लिखा था एल्किल हैलाइड, जो पहला था वो था एल्किल हैलाइड। ये किसके हिसाब से है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
यह कार्बन sp3 और हेलोजन बॉन्ड के हिसाब से। एल्किल हैलाइड मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास एल्केल ग्रुप होना चाहिए, एल्किल ग्रुप, और उससे हेलोजन अटैच होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा था CH2, इसे CH3 कर देते हैं, CH2 और X ऐसे था। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ, ये है क्लोरो क्लोरो एथेन, ये क्या होगा क्लोरो एथेन, इसका sp3 है, ठीक, डन। ऐसे एक और मैं कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया CH3Cl। यहाँ पर भी ये सब के सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे सर दिखाओ, ये लो, सब के सब क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, क्लोरो, ये क्या है, मेथ, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे। और इनको भी हम तीन कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी। देखते हैं प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सियरी क्या है। बहुत आसान है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर उस कार्बन से और भी अगर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री बोलेंगे, जितने उनकी संख्या होगी, ठीक है। कैसे बोल रहा हूँ, देखो, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ये रहा कोई एक एल्किल समूह, एल्किल समूह को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थीके? ये रहा मेरा कार्बन, इससे रहा मेरा हैलोजन। तो सपोज करो अगर इस कार्बन से एक तरफ कोई एल्किल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, कितनी तरफ सर, तो 1 तरफ, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो एल्केन, और इसे जनरली हम कहेंगे 1 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अगर कार्बन है, रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन है उससे हैलोजन अटैच है, और इसी कार्बन से कोई एक अलग से एल्किल ग्रुप ऐड है तो उसे बोलेंगे प्राइमरी हैलो एल्केन, यानी 1 डिग्री। ऐसे ही मेरे पास होगा, मान लो मेरे पास ये कार्बन है, इससे हैलोजन अटैच है, और एक तरफ ना होकर के अब 2 तरफ अगर मेरे पास एल्किल समूह ऐसे अटैच है, इसे बोलेंगे सेकेंडरी हैलो एल्केन, इसे बोलेंगे सेकेंडरी हैलो एल्केन, और इसका जो नाम है वह हो जाएगा 2 डिग्री, रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास ये कार्बन है और इससे 3 तरफ हैलोजन ग्रुप अटैच है, 3 तरफ हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये कहलाएगा टर्सियरी, टर्सियरी हैलो एल्केन, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री से। देख लो, एल्किल हैलाइड जो है वो भी हमने क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप्स का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या है, अगर कार्बन है उससे एक तरफ अगर एल्किल ग्रुप ऐड है, ठीक है, और इसी कार्बन से जुड़ा है हमारा हैलोजन, तो वह कहलाएगा प्राइमरी हैलो एल्केन, और इसे कहेंगे 1 डिग्री। ऐसे ही अगर कार्बन है, इससे हैलोजन अटैच है, और इस कार्बन से दो तरफ अगर मेरे पास एल्किल ग्रुप ऐड है तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी हैलो एल्केन, और इसे जनरली कहेंगे 2 डिग्री। ऐसे ही अगर मान लो कार्बन है, इससे हैलोजन ग्रुप अटैच है, और इससे 3 तरफ मेरे पास एल्किल ग्रुप अटैच है, तो अटैच है 3 तरफ से, इसलिए इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री, और इसे बोलेंगे टर्सियरी हैलो एल्केन, टर्सियरी हैलो एल्केन। इतनी बात समझ में आ गई, हो जाएगा कि sp3 और हैलोजन बॉन्ड के हिसाब से एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये होता है मेरे पास, ये होता है, हो जाएगा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं एलिलिक हैलाइड के लिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो, सेकंड हम देख लेते हैं एलिलिक हैलाइड। अभी हमने बात की थी ना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन से हैलोजन अटैच हो, तो सेकंड है हमारे पास एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, और ये भी कौन सा वाला है, sp3 और हैलोजन वाला ही है, ठीक है। एलिलिक में मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है इससे अटैच हो, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और X। यहाँ पे देखो आप, ये जो दोनों कार्बन हैं इन दोनों के पास डबल बॉन्ड है और इससे हैलोजन नहीं जुड़ा है,
इससे बगल में जो कार्बन है उसके पास सबके सब सिंगल बॉन्ड है और इससे हैलोजन अटैच है, तो इससे वाले को बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। जनरली एक छोटा सा इसका कंपाउंड देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग जहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को पहला नंबर देते हैं 1 2 3, 3 पे है क्लोरो, 3 क्लोरो, मेथ 8 प्रोप, प्रोप 1 पे है इन, ये हो जाएगा 3 क्लोरो। प्रोपीन भी डायरेक्ट कर सकते हो और इसे प्रोप और 1 इन भी कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही मान लो अगर मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप हो, जैसे कि यहां पे मेरे पास साइक्लोहेक्सीन हो, ये कुछ ऐसे बना रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन हो गया, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो साइक्लोहेक्सीन हो गया। तो सपोज करो यहाँ पे मेरा कौन जुड़ा है? हैलोजन जुड़ा है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो हो जाएगा 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, और यह है साइक्लो, साइक्लो हेक्स, हेक्स 1 इन, ये मेरे पास हो गया 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। बस क्या है एलिलिक, बस ये याद रखो, देखो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जिसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होंगे उससे हैलोजन अटैच होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उससे मेरा हैलोजन अटैच होगा, उसे बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। कुछ और एग्जांपल यहां लिखता हूं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फिर से मैं यहां पे लिखता हूं कुछ और एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये साइक्लोप्रोपीन है और इसको मैं बना दे रहा हूँ डबल बॉन्ड देके साइक्लोप्रोपीन। अब हुआ साइक्लोप्रोपीन, मेथ एथ प्रोप, तो साइक्लोप्रोपीन हो गया। सपोज करो यहाँ पे नहीं अटैच किया, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बगल में कर दिया, तो नंबरिंग यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, 2 पे आएगा 2 क्लोरो, ये है साइक्लो, साइक्लो और ये क्या है मेथ एथ प्रोप, साइक्लो प्रोप और 1 पे कौन है इन, 3 क्लोरो साइक्लोप्रोप 1 इन, ये क्या है एलिलिक है। ऐसे जनरली और सारे कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जनरली और सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ये रहा और यहाँ पे मैंने कोई हैलोजन अटैच कर दिया, तो ऐसे जनरली कोई भी डबल बॉन्ड हो इसके बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो उससे अगर मेरा हैलोजन ग्रुप अटैच है तो उसे बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। उम्मीद है आपको एलिलिक हैलाइड समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजाइलिक हैलाइड भी sp3 और हाइलोजन बॉन्ड वाला ही है। बेंजाइलिक हैलाइड ये मेरे पास तीसरा नंबर वाला था। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या करते थे, लेते थे बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग से, ठीक है, बगल वाला जो कार्बन है इससे कौन जुड़ता था, हैलोजन, इससे कौन जुड़ता था, हैलोजन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो मेरे पास हैलाइड होता है ये भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी होता है, बेंजाइलिक वाला भी। सर कैसे प्राइमरी, यहाँ पे देखो ये रहा कार्बन, ये रहा वह कार्बन जिससे मेरा हाइलोजन अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और इसके एक बगल में रिंग है, एक बगल में रिंग है, तो ये 1 डिग्री यानी कि कहलाएगा प्राइमरी, प्राइमरी ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। प्राइमरी है मतलब प्राइमरी, इसको जनरली लिख दे रहा हूँ, एक तरफ है प्राइमरी हैलो बेंजाइलिक बोल सकते हो या फिर प्राइमरी बेंजील हैलाइड बोल सकते हो। अब मान लो एक और मेरे पास स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर रहा बेंजीन, ये रहा कार्बन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक तरफ तो मेरा बेंजीन अटैच था और एक तरफ मैंने कोई एल्किल ग्रुप लाके अटैच कर दिया, तो यहाँ पे इस कार्बन से दो तरफ ग्रुप अटैच है, एक तो हमारे पास एल्किल ग्रुप, इधर हमारे पास बेंजीन ग्रुप, तो यह 2 डिग्री होगा, यह क्या होगा 2 डिग्री सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी बेंजील हैलाइड हो जाएगा, सेकेंडरी बेंजील हैलाइड हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक और हो बेंजीन रिंग, ठीक है, और एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जो कार्बन है इधर एक एल्किल ग्रुप और इधर एक और एल्किल ग्रुप और ऐसे ऐड कर दिया, यह क्या हो जाएगा 3 डिग्री यानी टर्सियरी, ठीक है, बेंजील हैलाइड हो जाएगा, टर्सियरी बेंजीलिक हैलाइड हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात,
यानी कि अभी जो मेरे पास बेंजाइलिक हैलाइड है, क्या होता है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के बगल में जो कार्बन है उससे हैलोजन अटैच होना चाहिए, ठीक है। और ये भी तीन टाइप्स के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब जो बेंजीन है यह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के सिर्फ एक ही तरफ बेंजीन हो, यह कहलाएगा 1 डिग्री। अगर इस कार्बन से अगर दो तरफ कोई ग्रुप है, जैसे यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे बेंजिल ग्रुप है, तो यह 2 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे तीनों तरफ ऐड है तो यह 3 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आएगी, बहुत आसान है। छोटा सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनका, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनका, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये है बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ CH2Cl, तो बेंजाइलिक क्लोराइड ये हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइलिक क्लोराइड कर लेंगे। ऐसे हमारे पास कंपाउंड होंगे और हम लोग ऐसे इनका नेम लिखेंगे। कुछ एग्जांपल मैं और लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये रहा बेंजीन, ठीक है, 2 डिग्री के लिए कार्बन, यहाँ पे मैंने CH3 ऐड कर दिया, Cl, और यहाँ पे H, ये कौन सा है, 2 डिग्री वाला है, कौन सा है, 2 डिग्री वाला है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा कार्बन, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर हैलोजन ऐड कर दिया, हैलोजन का मतलब हमने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है आपको बेंजाइलिक हैलाइड भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, ले लिया। फिर अब हम देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हैलोजन बॉन्ड। जो हमारे पास अगला है, जो सेकेंड नंबर है, कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन बॉन्ड, ये हम लोग को देखना है। इसमें डियर स्टूडेंट दो टाइप्स के होते हैं, पहला विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। अब यहाँ पे sp2 आ गया, तो यानी कि डबल बॉन्ड तो तय है, sp2 आ गया यानी कि डबल बॉन्ड तो तय है, डबल बॉन्ड आना ही आना है। तो जैसे कि देख ले सकते हैं, ये ऐसे कंपाउंड हो यानी कि डबल बॉन्ड से सीधे हैलोजन अटैच हो, जैसे ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने Cl ऐड कर दिया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो जिस कार्बन का है डायरेक्ट उसी से अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ऐसे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच हो, ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अगर कोई मेरे पास हैलोजन अटैच होता है तो उसे हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। तो समझ में आएगा विनाइलिक क्या होगा और एरिल क्या होगा। तो चलिए विनाइलिक का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए, ठीक, ये हो जाएगा ना। एरिल हैलाइड क्या है, बेंजीन के साथ कोई भी हैलोजन डायरेक्ट अटैच हो, ठीक है ना, तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक। अभी मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विनाइलिक हैलाइड मैंने अभी बताया कि डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो, ये तो एक एग्जाम्पल हमने देख ही लिया था। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन, और इसी से मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, इसी से मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो यह क्या है मेरे पास, विनाइलिक है। सपोज करो कि मैंने एक और साइक्लोप्रोपीन बनाया, और जहाँ पे डबल बॉन्ड जिस कार्बन से है उसी से मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये भी क्या है, विनाइलिक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं सी, यहाँ पे भी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ सिंगल बॉन्ड CH2, इसको H दे देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं हैलोजन, यहाँ पे नहीं हाइड्रोजन दे देते हैं, ये रहा, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ मैं हैलोजन क्लोरीन, ठीक है। अभी देखो ये जो मेरे पास कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसी से हैलोजन अटैच है, उसी से हैलोजन अटैच है, तो ये भी क्या होगा, विनाइलिक होगा। बात समझ आएगी विनाइलिक क्या होगा। अब थोड़ा बेंजाइलिक का देख लेते हैं, अभी इसका IUPAC ने फिक्र मत करो आप, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, IUPAC जस्ट इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा। दूसरा हमारे पास है जो बेंजाइल, हमारे पास देखा था हमने एरिल हैलाइड। एरिल में क्या करते हैं, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन अटैच है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही मान लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे मैंने
यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया, तो वन पे ब्रोमो टू पे क्लोरो, वन पे ब्रोमो टू पे क्लोरो, ये हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन वन ब्रोमो टू क्लोरो बेंजीन, मतलब डबल बॉन्ड जिसके पास है उसी से मेरा हैलोजन अटैच होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड, काफ़ी बड़ा बन गया, इसे हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेरे पास विनाइलिक हैलाइड क्या होता है और एरिल हैलाइड क्या होता है। तो sp2 और हैलोजन बॉन्ड वाला भी देख लिया, लास्ट हमारे पास बचा है कंपाउंड कंटेनिंग तीसरा जो है, ठीक है, sp2 हैलोजन बॉन्ड नहीं sp3, यहाँ पे देखेंगे sp3 देख लिया था, sp देखते हैं, sp एंड हैलोजन बॉन्ड, ये हमारे पास तीसरा वाला है, और इसमें माय डियर स्टूडेंट जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्ट उससे अटैच होता है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, और इसी से डायरेक्ट मेरा क्लोरीन अटैच हो, ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या, ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन और हैलोजन बॉन्ड है। नाम कैसे करेंगे, नंबरिंग इधर से कर लेंगे, तो मान लीजिए वन पे आ जाएगा क्लोरो, वन पे क्लोरो, मेथ एथ प्रोप, और लास्ट में जोड़ देंगे आइन, वन क्लोरो प्रोपाइन। ऐसे एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास सी एस थ्री हो गया, ठीक है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे रहा कार्बन, और इससे मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, sp और हैलोजन बॉन्ड के अंदर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में हैलोजन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन बात कर लिया, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं हमने उसके बारे में भी बात कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।